ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नवरात्रा में कैसे आपको माँ की पूजा करनी है, कौन से मंत्र हैं जो आपको उच्चारित करने हैं, साथ ही साथ क्या आपको भोग लगाना है। ब्रेक से पहले भी हमने जाना और अब ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंह जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। तो संचिता जी से आज जानते हैं कि नवरात्रा के तीसरे दिन आपको क्या कुछ खास करना है, साथ ही साथ कार्ड्स में आपके लिए आज क्या कुछ खास है। शुरुआत मेष वृषभ मिथुन से करेंगे, मेष के लिए जानेंगे सबसे पहले। जी, आज जैसे नवरात्रि का तीसरा दिन हमारा चल रहा है, आज चंद्र घंटा माता का दिन रहता है, तो आज का जो इनका दिन कार्ड निकला है वो बहुत अच्छा निकला है। ये रिश्तों का कार्ड इनका निकला है जो रिश्तों में पॉजिटिविटी लेकर आता है, साथ ही साथ अगर आपके रिश्तों में कोई करवाहट थी तो वो भी दूर हो जाएगी। आज का बहुत अच्छा और शुभ दिन आपके लिए रहेगा। अगर आप कोई रिश्ता नया जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे कोई पार्टनरशिप में जाएँ या शादी के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपका और भी शुभ रहेगा। आज आपको जो है अपना जो सुबह आप शुरू करें, शुरुआत में लाल रंग के पुष्प आप माता को ज़रूर चढ़ाएं। जी, तो लाल रंग के पुष्प आपको माता को चढ़ाने हैं। दिन की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। ये मेष राशि आपके लिए। वृषभ राशि, अब आपके लिए जानते हैं कि आज नवरात्रा का तीसरा दिन आपके लिए किस तरह से खास रहेगा। जी, तो इनके लिए भी हम जो है एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड है ये भी हमारा जो है लवर्स कार्ड आ रहा है। तो जो लवर्स कार्ड होता है कि घर में, इस परिवार में सब में बहुत प्यार बना रहे, रिश्तों में और मजबूती आती आज के दिन मुझे दिखाई दे रही है। आज जो है आपके लिए भी बहुत शुभ दिन है कि अगर आपके यहाँ पे कोई रिश्ता जुड़ने जा रहा है या कोई रिश्तों में प्रॉब्लम्स थी तो वो ख़त्म हो जाएंगी आज के दिन। और आपको जो है लाल रंग का जो है रुमाल जो है वो ज़रूर आपको अपने साथ रखना चाहिए, तो उससे आपके रिश्तों में भी अच्छी मिठास बनी रहेगी। जी, तो रिश्तों में आपके मिठास बनी रहेगी, लाल रंग का रुमाल आपको अपने पास रखना है। नवरात्रा विशेष ये जो एपिसोड है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और तीसरा दिन आपको कैसे खास बनाएगा, तीसरे दिन आपके लिए क्या कुछ खास इन कार्ड्स में छिपा हुआ है, ये संचिता जी बता रही हैं। संचिता जी, आगे बढ़ेंगे और मिथुन राशि के लिए भी जानेंगे। जी, जो मिथुन राशि है इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मिथुन राशि के लिए जो है करियर से रिलेटेड आज का जो दिन है वो हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ये घर से निकलते हैं कोई काम करने के लिए, कुछ चीज़ मन में ठान के कि आज हमें ये कार्य करना ही है, तो उस कार्य में इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसमें बोल रहा है घर से निकलते समय और जब हम पूजा करें तो इन्हें जो है लाल रंग के सेब, जो एप्पल्स होते हैं रेड कलर के एप्पल्स जो हैं वो ज़रूर चढ़ाने चाहिए आज माता को। तो लाल कलर के सेब जो होते हैं वो आपको माता को चढ़ाने हैं। साथ ही साथ पूजा की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतर है। तीन राशियों की ये हमने बात कर ली है। कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानेंगे, सबसे पहले कर्क आपके लिए जानते हैं। जी, जो कर्क राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है आज का जो दिन है यहाँ पे बोल रहा है कि आसपास थोड़ी सी नेगेटिविटी है आपके, कि जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, गॉसिप होती है या कहीं ना कहीं दूसरों की लड़ाई झगड़ों में हम फंस सकते हैं। तो ऐसा आज आपका दिन जा रहा है कि आपको जो भी है, जो भी नेगेटिविटी है, कोई आपको लगता है जो लोग हैं वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें आज के दिन जो है डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, और ऐसे जो भी लोग हैं इनसे थोड़ी सी दूरियां जो है आज आपको बना के रखनी चाहिए। आज का जो दिन है और अच्छा बनाने के लिए आपको जो है सफ़ेद रंग की कुछ चीज़ दान करनी चाहिए, जैसे कि आप आटा कर सकते हैं, दाल कर सकते हैं, चावल कर सकते हैं, तो कुछ सफ़ेद रंग की चीज़ ज़रूर आज के दिन आपको दान करनी चाहिए। जी, तो सफ़ेद रंग की कोई चीज़ जिसे आप दान कर सकते हैं, साथ ही साथ क्योंकि नेगेटिविटी आपके पास बहुत है तो इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको ये सफ़ेद रंग की चीज़ दान करनी है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि आपके लिए जान लिया, सिंह राशि आपकी बात करते हैं। जी, जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है आज के दिन जो है, इनका लक जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड होता है कि जो लक है, अगर बहुत समय से आपके
फेवर में नहीं था या लक ज़्यादा साथ नहीं दे रहा था, तो आपसे जो आपका समय आ रहा है उसमें बोल रहा है आपका लक बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आपको जो है ऑरेंज कलर की मिठाई जो है वो ज़रूर आपको देवी को चढ़ानी चाहिए, जैसे आपके बूंदी के लड्डू हो गए या कोई भी आप ऐसे ऑरेंज कलर की मिठाई वो ज़रूर चढ़ाएं। जी, ऑरेंज कलर की मिठाई आपको चढ़ानी है, लड्डू आप चढ़ा सकते हैं, और सिंह राशि आपके लिए भी बता दिया है, कन्या राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो कन्या राशि जो बोल रहा है आज का दिन जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है ऐसे इनका, पर बहुत स्पीड से जा रहा है कि दिन कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ इसका इन्हें जो है समय का जो है पता नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बिजी डे हमें दिखाई दे रहा है कि इनका जो स्केड्यूल है आज का उसमें बहुत सारे काम करने हैं इनके, और वो काम हो भी रहे हैं पर जो समय है वो भागता ही नज़र आएगा आज के लिए आपके लिए। तो मैं बोलूँगी जब भी आप सुबह जब आप घर से काम से निकले या कभी भी आपके पास समय हो तो आपको घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए आज देवी माता के आगे, क्योंकि जो घी का दिया है उससे जो आपको सफलता है वो और भी अच्छी मिलेगी। जी, तो सफलता अगर आप चाहते हैं तो घी का दिया माँ के सामने ज़रूर चलाइएगा। और अब आगे तुला वृश्चिक धनु आपके लिए जानते हैं। तुला, सबसे पहले आपके लिए जानते हैं आज आपका दिन कैसे खास रहेगा। तो तुला राशि के लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन आ रहा है, जो कार्ड यहाँ निकल के आ रहा है उसमें बोल रहा है आपको थोड़ा गुस्सा आ सकता है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आज का जो दिन है आप किसी से ज़्यादा नाराज़ ना हो, किसी को ऐसी कोई बात ना बोले, कोई आपसे नाराज़ ना हो, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आज का दिन और अच्छा बनाने के लिए आपको सुबह जो है यहाँ पर रोली टीका जो हम बोलते हैं लाल रंग की रोली से आपको माता का श्रृंगार करना चाहिए, और खुद भी घर से निकलते समय लाल रंग की रोली का टीका जरूर लगाएं। जी, और वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या कुछ खास है। जी, तो हम उनके लिए भी एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है आज जो है इनका धन का कार्ड आ रहा है, इतने सारे कॉइन्स यहाँ बने आ रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आज के दिन आ सकती है। अगर बहुत समय से आपके पैसे कहीं अटके हुए थे रुके हुए थे तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है एक हैप्पीनेस का और एक स्टेबिलिटी का कार्ड हमारा आ रहा है। आज जो है आपका दिन और अच्छा बनाने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र जो हैं वो ज़रूर पहनने चाहिए, उसके साथ साथ आप लाल रंग के वस्त्र जो है कुछ दान में भी दे सकते हैं। जी, तो लाल रंग के वस्त्र पहनिए या ये दान दे सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि विशेष आपके लिए भी जान लेते हैं। जी, जो धनु राशि है इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो धनु राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है इसमें बोल रहा है कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपकी तरफ आ सकती हैं कि जो आप अकेले ही सॉल्व कर लेंगे, पर बोल रहा है कुछ ना कुछ एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानियाँ आज के दिन आ सकती है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जैसे छोटी परेशानियाँ आप खुद ही अकेले संभाल लेंगे, पर कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो इसको हैंडल कैसे करना है आज के दिन। तो बोल रहा है आज का जो है आपको गुलाब के फूल, जो लाल गुलाब के फूल होते हैं वो माता को आपको जरूर चढ़ाने चाहिए। जी, तो लाल गुलाब के फूल माता को चढ़ाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और आखिरी तीन राशि मकर, कुंभ, मीन आपके लिए जानते हैं आपके लिए क्या खास रहेगा। मकर, सबसे पहले आपके लिए। तो मकर राशि के लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो बोल रहा है आज का जो दिन है थोड़ा एडजस्टमेंट्स वाला दिन है, जैसा आप सोच रहे हैं वो सब चीज़ें होने में भी थोड़ा सा समय और लगेगा। जैसे कई बार हम चाहते हैं हमारे काम बहुत जल्दी जल्दी बन जाए, फटाफट बन जाए, पर बोल रहा है अभी जो है उसका सही समय नहीं आया है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा आपको। और आपका दिन अच्छा बनाने के लिए बोल रहा है आपको लाल रंग की कोई मिठाई बनानी चाहिए जो देवी माता को आप ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कोई हलवा हो सकता है या ऐसी कोई चीज़ जो आपको पसंद हो, जैसे लाल रंग की कोई चीज़ आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। जी, और संचिता जी कुंभ राशि के लिए भी जानना चाहेंगे उनके लिए क्या खास है। जी, जो कुंभ राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है आज का जो दिन है यहाँ पे बोल रहा है कोई फिजूल खर्ची में ना जाए, जैसे हम कार्ड्स में देख सकते हैं एक आदमी है जो पानी को बचा बचा के चल रहा है। तो बोल रहा है जो आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास चीज़ें हैं उसका सही उपयोग करें, और फालतू के खर्चों में थोड़ा सा अभी समय सही नहीं है कि खर्चे अभी कम ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी जो है आज आपको जो है दूध जो है दान में देना
करना चाहिए। आप किसी कुत्ते को दूध पिला सकते हैं, ऐसी चीज़ें करने से आपको पुण्य ज़रूर मिलेगा जी। और आखिरी राशि मीन राशि, आपके लिए भी जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ खास है जी। जो मीन राशि के लोग हैं इनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं, तो बोल रहा है इनके पास जितना कुछ है आज के दिन, इनको थोड़ी सी उम्मीदें ज़्यादा ही रहती है। जैसे कई बार हम बोलते हैं हाई एक्सपेक्टेशन करके जो है आज आपकी रहेगी, और हो सकता है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी ना हो तो थोड़ी निराशा ज़रूर हो सकती है, तो उसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए भी मैं बोलूँगी आपको घी का दिया ज़रूर जलाना चाहिए देवी माँ के आगे कि आपकी सारी मन की इच्छाएं पूरी हो जाए जी। ये तो राशियों की बात हो गई, और अब संचिता जी जल्दी से आपसे आज के लिए मंत्र जानना चाहेंगे जी। जो आज का हमारा खास मंत्र है, तो इसमें बोल रहा है ये मंत्र जो है, अगर आपके जो है हेल्थ इश्यूज रहते हैं या घर में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि मेरे बहुत ज़्यादा शत्रु बनते जा रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है घर में बनी हुई है, काम में बनी हुई है, तो हर चीज़ के लिए जो है ये बहुत अच्छा है कि आपके हेल्थ के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी कि अगर आपके कोई बॉडी पेन रहता है या हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं बनती ही चली जा रही हैं, तो ये मंत्र करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये मंत्र है हमारा ओम येन रिन क्लिन चामुंडाय विच्छे ओम चामुंडाय देवोह नमः। ये हमारे को मंत्र जो है 108 बार जो है इसकी आप माला फेर सकते हैं। तो इसकी जो भी हम आपकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं हेल्थ से रिलेटेड या जो भी मानसिक परेशानियाँ हैं वो सब भी दूर हो जाएंगी। तो ये तो संचिता जी ने बताया कि किस तरह से आप राशि अनुसार आज माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही साथ मंत्र भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, नमस्ते। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, खुश रहिए, ख्याल रखिए, नमस्कार।